नहीं लग सकता, ये महापुरुषों को बहुत बड़ा अपमान किया है और इसके लिए इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये जो है सीनियर ने बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ा बड़ी बात बोली है, क्योंकि आप फ्रीडम फाइटर का फोटो हटा देंगे और आम आदमी का लग सकता है जिनकी वजह से मुल्क आज़ाद हुआ। मसला ये है कि जैसे ही नाम आता है, टीपू सुल्तान का नाम आ जाता है, मोहम्मद अली जौहर का नाम आ जाता है, चड्डी गैंग का हालत खराब हो जाता है। इनको एक एक करके कैसे दबाया जाए। ये संविधान फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये किसी और को फॉलो कर रहे हैं। ये बोल कैसे सकता है कि आप फ्रीडम फाइटर को हटा के किसी का और का बैनर लगा सकते हो? ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग पत्रकार बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? वो बोल रहे हैं इतना खराब है कि शहर का फ्रीडम फाइटर से अगर शहर का माहौल खराब होता है तो मैं शहर वालों को बोलता हूँ, सब लोग निकलो, पूरा शहर निकले और सब फ्रीडम फाइटर और हमारे जो टीपू सुल्तान का और मोहम्मद अली जौहर का सारा फोटो लेके निकलेंगे और पूरा पुलिस स्टेशन में 15 अगस्त को हम लोग आएंगे, यही झंडा फहराएंगे, इसको दिखाएंगे कि हम फ्रीडम फाइटर को दिखाएंगे तुमको। हमारे फ्रीडम फाइटर को हम भूल नहीं सकते। मोहम्मद अली जौहर के बारे में इतिहास ये है कि जब उनकी माँ ने सुना कि वो जो है माफीनामा लिख के आ रहे हैं तो हुआ क्या, उनकी माँ ने बोला कि अपने हाथों से गला दबा दूंगी अगर माफीनामा लिख के आएंगे। ये माफीनामा लिखने वाले अब जो है माफीनामा लिखने वाले इसको बता रहे हैं, आर्डर कर रहे हैं बैनर निकाल दो। ये बैनर नहीं निकलेगा 15 अगस्त के दिन। पूरे मुमरा को मैं बोलता हूँ, पूरे मुमरा की आवाम और जहाँ तक के सारे आवाम को बोलता हूँ, ये फ्रीडम फाइटर का बैनर ले लेके आओ, पुलिस स्टेशन के सामने इसको दिखाओ। ये साजिश हम कभी नहीं कामयाब होने देंगे। हमला आज हुआ था, अब पूरा पुलिस स्टेशन आप सभी लोग आए थे, कुछ बैनर वगैरह लगाए गए थे, अपा ने कार्रवाई की, पुलिस स्टेशन आए थे, पुलिस से क्या बात है? पहले तो मैं अनाउंस करता हूँ, सीधी सीधी बात है कि 15 अगस्त के मौके पर हमने जो बैनर लगाए थे वो फ्रीडम फाइटर के बैनर थे, जिसके अंदर तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम फ्रीडम फाइटर के उसमें फोटो थे और वो एक सोच समझ के साजिश के तहत उसको तारा गया। यानी कि और सारे बैनर्स लगे हुए हैं जो पार्टी के लेवल पे है, एनजीओ के लेवल पे है, वो सारे बैनर हैं। सिर्फ ये बैनर जिसके ऊपर कोई उसका नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम है और सिर्फ फ्रीडम फाइटर के फोटोज है, उस चीज़ को टारगेट करके उतारा गया। मतलब ये क्या है? ये शहर के अंदर गंदा माहौल फैलाना चाहते हैं, माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? हमने जब अंदर बात की तो बोले माहौल ख़राब होगा। फिर हम शहर के रहने वाले, हमसे माहौल ख़राब होगा क्या? और दूसरे लोगों से माहौल खराब होगा? गांव में आप तफसील बताएं, बालू किशन साहब के कॉर्पोरेशन भी आप गए थे, वहाँ से वो आपके साथ पुलिस स्टेशन भी आए, वहाँ उन्होंने क्या कहा और सीनियर साहब ने क्या? देखो बालू पिक्चर के पास पहले तो जो पुलिस उतार रही थी उन्होंने कहा कि हमको म्युनिसिपैलिटी की तरफ से आदेश आया है। जब हम वहाँ बालू पिक्चर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमको पुलिस स्टेशन से आदेश आया है। पुलिस स्टेशन के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमको पीछे से आदेश आया। शहर हमारा, आवाम हम रहने वाले, यहाँ के आदेश बाहर वाले कौन देने वाले? जब हमको शहर की चीज़ में तकलीफ नहीं है, वो हमारे फ्रीडम फाइटर है, हमको उससे तकलीफ नहीं है, तो बाहर वालों को कौन होते जिनको तकलीफ हो रही है? नहीं, ये भी पता चला है, सिर्फ वही एक बैनर निकाला गया। वो जिनको तकलीफ हो रही है, जब हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको तकलीफ नहीं है, तो बाहर वालों की तकलीफ से हमारे यहाँ के बैनर क्यों उतारे जा रहे हैं? ये हमारा उनसे पूछने का सवाल था, बोले हम ये नहीं बता सकते। जी उन्होंने बताया असल क्या वजह थी बैनर उतारने की, क्यों उतारा गया बैनर, आप लोग क्यों आए हैं? देखिए बैनर जो आप सबको पता है कि 15 अगस्त आ रहा है, देश आज़ाद हुआ था, सब खुशी का माहौल है, तो इस खुशी के माहौल में हमने एक फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज लगाए। वो फ्रीडम फाइटर्स में ऐसा नहीं कि किसी को वो देख के मतलब उसमें तकलीफ हो। आप यहाँ देखेंगे वीडियो में, ये देश का मैप है इंडिया का, और ये बैनर आप हमको भेज दीजिए। हाँ, इस मैप में आप देखेंगे सबके पूरे फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज है, टीपू सुल्तान के भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी है जो हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी काम किए, गांधी जी का भी फोटो है। तो ऐसे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे हमने उनका फोटो लगाया, उसमें हमारी पार्टी के किसी का भी फोटोज नहीं है, सिर्फ हमारी पार्टी का नाम है। लेकिन ये कल रात से हम देख रहे हैं कि लोग उधर घूम रहे हैं बैनर्स के लिए, और आज सुबह में पुलिस स्टेशन से दो हवलदार लोग आए और ये बैनर उतारना चालू कर दिए, जो गलत है। तो इनसे पूछा भी गया, भाई आपको ये बैनर उतारने की कौन परमिशन दिया? तो बोले हमारे पास लेटर है, लेटर दिखाने की भी बात कर रहे हैं तो लेटर दिखा भी नहीं रहे, ना उसकी कॉपी दे रहे, ना व्हाट्सअप पे वो हमको सेंड कर रहे, खाली आ गए बोले बस इससे देश का माहौल ख़राब हो जाएगा। अभी मैं, आप पत्रकार लोग हैं यहाँ पे, आम जनता खड़ी, मैं इनसे पूछता हूँ कि फ्रीडम फाइटर से कौन सा देश का माहौल ख़राब होगा? आज हम सब जो खड़े हैं, आप सब जो खड़े हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से खड़े हैं। आज जो देश आज़ाद हुआ उनके वजह से हुआ, तो आज हम देश के आज़ादी के टाइम हम उनका फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका फोटो लगाएंगे? राजनाथ, एक सवाल है करना है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हर मोबाइल पे इस वक्त बोल रहे हैं
9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा जो है ये मनाने का, और ऐसे माहौल में आपने लगाया तो क्या वजह है? पुलिस ने जो बताया किसके फोटो पे इतराज़ करो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हर घर तिरंगा, तो हर सब अमल भी कर रहे हैं, छोटे से लेके बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सब अपने अपने हिसाब से वो फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की। तो हमने भी हमारी पार्टी की तरफ से ये एक अच्छा स्क्रिप्ट तैयार किया कि भाई हमको फ्रीडम फाइटर्स को शो करना है, जो आवाम फ्रीडम फाइटर्स को भूल गई या जो जानती नहीं है तो उनका हम चेहरा डिस्प्ले करें ताकि लोग समझे कि ये इतने इतने लोग थे जो आज़ाद देश को कराए, ये जो अंग्रेजों के गुलाम जो अंग्रेज लोग यहाँ पे राज करने आए थे इनको यहाँ से भगाए, तो इनकी सब कुर्बानी है। चाहे महाराष्ट्र के आप हमारे देश के जिसके भी बोलो फ्रीडम फाइटर्स में, छत्रपति शिवाजी का बोलो, महात्मा गांधी का बोलो, जवाहरलाल नेहरू का बोलो, जितने भी जो शुरू जो अंग्रेजों से लड़े उन जो लड़े जो देश को आज़ाद करो उसको फ्रीडम फाइटर्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हमको मालूम पड़ा कि जब ये बोर्ड निकालने के लिए आए हैं और ये बोल रहे कि ये इलीगल है, तो हमारा क्वेश्चन यही था प्रशासन से, जो अधिकारी थे बालू सर, कि भाई इलीगल सिर्फ आपको ये फ्रीडम फाइटर्स दिख रहे हैं और जो दूसरे बोर्ड्स यहाँ बैनर्स लगे आपको वो इलीगल नहीं दिख रहे? अगर आपको कार्रवाई करना है, अगर आप मानते कि इलीगल है जो भी है, तो आप सबका निकालो एक ही टाइम पे। आप सिर्फ बराबर सेलेक्टेड फोटोज सेलेक्टेड जगह पे जाके आप निकाल रहे हो और ये सुबह से पुलिस प्रशासन हमको परेशान कर रही है। फ्रीडम फाइटर्स के इनको भी मालूम है क्या? हिस्ट्री नहीं पढ़े कि कौन फ्रीडम फाइटर्स है? उसमें सबके फोटोज है, उसमें छत्रपति शिवाजी के, बाय गया शंकर मंदिर में बैनर फाड़ा गया फ्रीडम फाइटर्स का, ये क्या ये तौहीन नहीं है उनकी फ्रीडम फाइटर्स की? हम बोले आप उनके लिए एफआईआर दर्ज करो तो हमको बोला जाता है कि उनके ऊपर अगर एफआईआर होगी तो आप पे भी एफआईआर होगी। अरे हम पे क्यों एफआईआर होगी? जो फ्रीडम हमारे ऊपर एफआईआर होगी तो चलेगा, हमको प्रॉब्लम नहीं है एफआईआर से, हमारे ऊपर बहुत एफआईआर है, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स जो बैनर्स पाड़े हैं उनके ऊपर तो एफआईआर जरूरी है, क्योंकि वो देश के आज़ाद जो फाइटर्स थे उनके ऊपर उन्होंने तौहीन किया। और हम यहाँ पे आए तो बालू सर बोले कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया, और बालू सर का कहना है साहब कि इससे देश इससे मुमरा का माहौल खराब होगा। बताइए आपसे क्वेश्चन है कि फ्रीडम फाइटर से माहौल खराब हो सकता? सीनियर साहब का क्या कहना था? वो बोले कि सीनियर साहब ने मेरे को बोले तो हमको उन्होंने उन्होंने हमको यहाँ पे लेके आया, हम यहाँ पे आए, सीनियर साहब ने भी यही बोले कि भाई मेरे को ऊपर से कॉल आया, गांव के से मेरे को कॉल आया। अब आप बताओ यहाँ पे 20 लाख की आबादी है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, वो सेलिब्रेशन करने के लिए लोग बच्चे बड़े सब आएंगे रोड पे, अपने अपने तिरंगा होइस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इनके फोटो से क्या हो सकता? हमने सर से सीनियर सर शिंदे साहब से हमने पूछा तो बोले वो नहीं मैं बताऊंगा, हमने रिप्लाई मांगा कि आप रिप्लाई लेटर लिख के दे दो कि आप ये फ्रीडम फाइटर्स के फोटो नहीं लगा सकते, बोले वो नहीं लगा सकते। सर ने यहाँ तक बोले कि आपको महापुरुष का फोटो कोई नहीं लगाएगा, ये कोई जवाब हुआ इसका? महापुरुष का हम फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे भाई हम फोटो? तो आपने क्या कदम उठाएंगे आप, कानूनी कदम क्या उठाएंगे? कानूनी कदम तो ये है कि पहले तो हम यहाँ पुलिस वाले को एप्लीकेशन करेंगे, भाई हम ये जवाब मांगेंगे कि आप कैसे फ्रीडम फाइटर्स के फोटो लगाने के लिए मना कर सकते, ये सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद क्या रिप्लाई आया तो उसके हम प्रोसीजर करेंगे। और अभी भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, हमने सर ठीक है जो हो गया हो गया, अभी 2 दिन बचा है 15 अगस्त को, उसमें तो कम से कम खूब फोटोज लगाने दो। तो बोले महापुरुष को अपने घर पे लगाओ, ये कोई तरीका नहीं, हम सेक्युलर देश में है, सेक्युलर लोग हैं, तो हम महापुरुष का फोटोज यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे भाई? मैंने क्लियरली स्टाफ वालों से भी और टीएमसी वालों से भी यही चीज़ कहा कि उनको जो मेन ऑब्जेक्शन जो ज़्यादा चुभा है कि उस पर टीपू सुल्तान की फोटो थी, तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी, उनका इतिहास जो उनके उन्होंने देश के हित में जितना काम किया है, तो अगर टीपू सुल्तान से तो अंग्रेजों को प्रॉब्लम थी, अब भी अंग्रेजों के वंशज इतने साल बाद भी 70 साल 75 साल बाद भी अगर देश में है और उनको तकलीफ हो रही है और डायरेक्ट सीनियर साहब को कॉल कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट पूछा, बोला किसको तकलीफ है सर? कोई बोले नहीं वो नहीं किसी का, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक 15 अगस्त का फोटो लगा, जगह जगह लगा हुआ, उसमें गांधी जी की जो कि बोले कि वो भारत का जो नक्शा था उसके अंदर किसी की फोटो बड़ी थी किसी की फोटो छोटी थी, मैंने बोला कल मैं देखा था मेरे ऑफिस के पास लगा था, उसमें गांधी जी की फोटो बड़ी थी बीच में जो नक्शे के अंदर था, तो बोले नहीं नहीं वो नहीं मत लगाओ उसका, बोला सर अगर बैनर के साथ कोई अभद्रता कर रहा है तो उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, ना कि उसको निकलवा देना, बोले नहीं हम लगने नहीं देंगे दे। तो टीएमसी वाले से पूछा कि आपके पास सीनियर साहब ने कुछ लेटर भेजे थे? टीएमसी वाले बोले नहीं, सीनियर साहब से बोला तो बोले नहीं नहीं इनको लेटर दे दो ना, जो मैं बर्थडे के लिए लेटर भेजा था ना वही कॉपी इनको दे दो, मतलब ये बैनर के लिए कोई पुलिस स्टेशन के पास या ऑफिशियल इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, ये पूछने पे कि मना किसने किया है? अब अगर गांधी जी से का फोटो बड़ा होने से किसी को प्रॉब्लम है तो कौन सी वो ख्यालात का रहेगा, किसको प्रॉब्लम था, किसने गांधी जी को शहीद किया, सारे देश को मालूम है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेजों को प्रॉब्लम था, अगर वो अंग्रेजों जिस दिन वो शहीद हुए, मैंने बाकायदे पुलिस स्टेशन में ये बात किया कि जिस दिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए उस दिन अंग्रेजों को बड़ा फख्र हुआ कि अब हमारा मैसूर पर कब्जा हो जाएगा, तो अगर उनकी शायद हाँ हिंदुस्तान मैसूर की एक ही उनकी अड़चन थी सबसे बड़ी कि उनके सामने टिक नहीं पाते थे, तो अब अगर उससे उनके फोटो से उसमें उनका एक थॉट भी लिखा हुआ था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है, तो मैं मीडिया बंधु मैं खुद पत्रकार होते हुए
और मीडिया बंदियों से यही कहूँगा कि इसको लोगों में चलाएं कि लोग टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सही जानकारी हासिल करें कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसी जंग लड़ी, और उन्होंने ना कि देश के खिलाफ, उनका खुद का जो मेन वजीर था वो ब्राह्मण था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में पढ़े तो सही, जानकारी तो हासिल करें। जानकारी नहीं हासिल करके बैठ के इनके आका कौन कहाँ से कॉल कर रहा है, किसका कॉल लेके, एक प्रूफ तो दिए होते कि देखो ये कॉल आया था, ये लेटर आया था हमको, यहाँ ये बैनर की वजह से आपत्ति हो रही। बहुत सारे अभी यहीं पे देखिए ना महापुरुष धर्म के अंदर, हाँ बाबा साहब अम्बेडकर, ये बैनर जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, आनंद दिघे साहब का उस पर फोटो लगा हुआ है, बाल ठाकरे साहब का फोटो लगा हुआ है, इधर गणेश जी का फोटो लगा, बैनर आप निकाल दोगे कि इसका अपमान ना हो, कोई फाड़े नहीं कुछ करे नहीं, और आप ही के टीएमसी वाले जबरदस्ती उसको खींच खींच के निकाल रहे हैं ऑफिस के पास। मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरी ऑफिस के सामने लगा, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए मैं लगा खुद खड़े होकर लगवाया और बोला बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जबरदस्ती निकाल दिए। वो है तो ये सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का कॉल है नहीं सर, वो सब फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर वो जाता है जो देश को आजाद करने पे लगे थे। आप सबको मालूम है सावरकर, सावरकर ने जो गांधी, जो घोड़से, जो गांधी जी को जो कत्ल किए थे, लेकिन आप देखेंगे पूरे हिस्ट्री और पूरा प्रूफ है कि ये ब्रिटिश के साथ मिले थे, इनका माफीनामा है, सब कुछ है, लेकिन आप थाना में जाएंगे जेल के बाजू में उनका बैनर और फोटो सब लगा हुआ है। तो हम यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर जो ओरिजिनल फ्रीडम फाइटर्स है उनका फोटो नहीं लगाएंगे तो हम किसका फोटो लगाएंगे, आप बताइए ना। और यहाँ पे हम अगर रिप्लाई कुछ चीज़ का मांग रहे हैं तो किसी को देना नहीं है, ना यहाँ के सीनियर को देना है, ना कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बालू पिक्चर को देना है, ये सिर्फ बस फोन कॉल्स पे काम कर रहे हैं। अभी ये बैनर्स के ऊपर आते कि बैनर्स इल्लीगल है, तो क्या सिर्फ फ्रीडम फाइटर का बैनर लगा तो इल्लीगल है? यहाँ बर्थडे जो होते हैं, रैलीज होते हैं, और क्या गिफ्ट्स वगैरह बांटते हैं तो उसके बैनर्स लगते हैं, और क्लासेस के बैनर्स लगते हैं तो इनसे पूछ के हम ये लोग लगाते हैं। हमने इसकी भी परमिशन मांगी कि आज तक मुमरा में जितने भी बैनर्स लगे हैं आपके पास इसकी परमिशन कॉपी है, ये लोग ने इसका चलान भरे, पैसा भरे, इनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर जीरो, इनके पास कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ यहाँ पे सीट पे बैठ के वो बड़ा उनका कौन सा आका है वो जो बोलता है ये लोग करते हैं। यहाँ 20 लाख की आबादी, वो आका से नहीं चलेगी, यहाँ 20 लाख की आबादी उनका पूरा राइट से वो हिसाब से चलेगी, कौन से चलेगी?